Hi friends, welcome back to the Pragmatic Lopa. आप में से ऐसे बहुत होंगे जो काफी ऑनलाइन शॉपिंग करते हों, पर मैं ज्यादा नहीं करती और खासकर कपड़ों के मामले में। आप जैसे कि जानते होंगे, अगर बस एक आध बार भी ऑनलाइन साइट्स पे कुछ ढूंढ रहे हो तो उसी तरह के एड्स या ऑप्शंस आपके सोशल मीडिया के फीड पे आते रहते हैं। और एग्जैक्टली कुछ इसी तरह मेरे साथ भी हुआ। मैं एक नेवी ब्लू कलर का गाउन ढूंढ रही थी जो इस बार के न्यू ईयर सेलिब्रेशन पे मेरे हस्बैंड के ब्लेजर से मैच करे। खुशकिस्मती या बदकिस्मती, ये तो आप लोग डिसाइड करना इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद। ये रैंडम ऐड आया मेरे इंस्टा के फीड पे। अब जैसे कि मैं ज्यादा स्पेंड नहीं करना चाहती थी कपड़ों पे, सोचा इस बार एक ट्राई किया जाए। ट्रायल के तौर पे काफी महंगे चीज पे चांस नहीं लेना था, इसीलिए ये बस 1800 रुपए की गाउन ऑर्डर की इस पुनः साइट से। इस साइट पे इस पिक्चर में देख सकते हैं कितनी सुंदर गाउन है। उस पे इस फैब्रिक पे बेहतरीन मिरर वर्क भी किया गया है, जिसके आगे काउल नेक पैटर्न है और पीछे लंबाई में हैंग होते हुए एक प्रिंसेस वाली लुक देती है। पर क्या करें, जब पार्सल डिलीवर हुआ, देख सकते हैं मुझे ये कितना ही चीप आर पार दिखने वाला नेट दुपट्टा मिला, और वो भी इस ओवरसाइज गाउन पे, जो कि काफी डिसअपॉइंटिंग था। ना ही मैं अब उन रिटर्न पॉलिसीज पे पढ़ना चाहती थी और ना ही मेरे पास इतना वक्त था कि न्यू ईयर से पहले और ऑप्शंस देख के नया खरीद सकूं। पर इसमें इम्प्रूवमेंट के काफी स्कोप है, इसीलिए सोचा अपनी क्रिएटिविटी से इस गाउन को अपग्रेड करूं। तो आगे चले देखे मैंने क्या किया। मेरे काम को जज करने से पहले बता दूं, मेरे को कोई आइडिया नहीं था आगे क्या करने वाली हूँ। पूरे ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान अपनी आइडियाज चेंज करती रही जैसे और जहाँ जरूरत पड़ी। कुछ प्री प्लान नहीं था, ये ज्यादातर एक ट्रायल एंड एरर का नतीजा है। पर हाँ, कुछ चीजों का खास ध्यान रखा, जैसे समय की पाबंदी थी, इसीलिए आसान और जल्दी बनने वाला काम करना चाहती थी। इस ड्रेस पे और ज्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहती थी, हर तरह से बजट फ्रेंडली रखना था। ज्यादातर यूज होने वाली चीजें जो आसानी से मेरे घर में मिल जाए उसे यूज किया, इसीलिए ये अपग्रेडेशन मेरे लिए पूरा मुफ्त में हो गया। मैं दरअसल आपको इस गाउन का एक बिफोर, पहले और आफ्टर अपग्रेडेशन के बाद का पिक दिखाना चाहती थी। जो आप यहाँ देख रहे हैं ये पहले का क्लिप नहीं है, क्योंकि जब ये ड्रेस डिलीवर हुआ था इसका निचला हिस्सा इतने अच्छे से नहीं बैठता था। फिर मैंने इसमें बकरम स्टिच करवाया और उसे गाउन के कलर के फॉल से कवर किया, जो आप ज्यादातर साड़ी के पीछे इस्तेमाल करते हैं। इसे लगाने के पश्चात ही सिर्फ आप लोगों के लिए इस अपग्रेडेशन को शूट करने का सोचा, इसीलिए ये स्टेप दिखा नहीं सकूंगी। पर ये बहुत ही सिंपल है जो आसानी से समझ सकते हैं। गाउन के फ्लेयर या चौड़ाई पे डिपेंड करते हुए उसी हिसाब से बकरम खरीदें। इस गाउन के लिए 1 मीटर बकरम खरीदा, इसे 4 से 6 इंच की चौड़ाई में स्ट्रिप्स काट के फॉल के साथ नीचे सिलवा दें। इस गाउन पे बकरम को छिपाने के लिए 2 फॉल की जरूरत पड़ी। मेरे घर में सिलाई मशीन नहीं है और हाथ से सिलने में काफी टाइम लगता, और जैसे कि पहले कहा है, मेरे पास समय की कमी थी, इसीलिए मेरे रिश्तेदार आंटी से सिलवा लिया। और आप चाहें तो सस्ते में किसी लोकल दर्जी के यहाँ से भी सिलवा सकते हैं। ये बकरम है जो छूने में थोड़ा कड़क होता है, ये किसी भी लोकल फैब्रिक स्टोर में मिल जाएगा। थोड़ा बहुत बकरम निकल जाए तो परेशान ना हो, वैसे भी ये बकरम अंदर की तरफ रहेगा जो बाहर नहीं दिखेगा। इस फ्लेयर यानी घेर का बॉर्डर कर्व है ना कि फ्लैट, इसीलिए स्टिच करते वक्त थोड़ा मटेरियल अंदर की तरफ टक कर दे, ताकि आप आसानी से इस तरह कर्व में घुमा सकते हैं। जैसे कि पहले कहा था, मैं सिर्फ वही चीजें यूज करना चाहती थी जो मेरे घर में ऑलरेडी है। ये क्रोशिए का मोटा लेस मुंबई से लिया था, जो काफी टाइम से मेरे क्राफ्ट के सेक्शन में पड़ा था, और ये लेस यूएस के डॉलर स्टोर से है, और ये सारे लेसेस पिछले कई डीआईवाई प्रोजेक्ट से बचा हुआ था। ऐसे लेसेस और बीड्स अपने लोकल क्राफ्ट स्टोर में मिल जाएगा, बाद में देख सकते हैं, मैं इनमें से सिर्फ कुछ ही इस्तेमाल करूंगी। पहले इस सेंटर की सिलाई को इस नोकीले सीजर से खोलने का प्रयास किया,
पता नहीं इसे एग्जैक्टली क्या कहते हैं, पर आप कोई भी नुकीली चीज से खोल सकते हैं ताकि लेस लंबाई में फिट कर सके। नीचे की तरफ लगभग 2 इंच ज्यादा रखें और कैंची से काट दें ताकि बाद में आसानी से पीछे की तरफ फोल्ड करके फिक्स कर सके। अब धीरे धीरे स्टिच को खोलते रहें और लेस बिछाते जाएं। इस तरह जैसे ऊपर से लेस एक दूसरे से ओवरलैप हो जाएं, जो कि लाजमी है क्योंकि गाउन के नीचे से ऊपर जाते हुए उसकी चौड़ाई घट रही है, इसीलिए ओवरलैप करना जरूरी है। क्योंकि लेस लगाने की जगह पक्की नहीं की थी, टेम्पररीली सेफ्टी पिन से फिक्स कर दिया। सेफ साइड के लिए नीचे की तरह ऊपर भी 2 इंच एक्स्ट्रा लेस रखें ताकि बाद में परमानेंटली फिक्स कर सके। इस बात का ध्यान रखें कि ऊपर का जो ओवरलैपिंग हुआ है वो हर पॉइंट पे बराबर रहे ताकि चारों ओर इन त्रिकोण का समान गैप नीचे की तरफ रहे। मैं मेजरिंग टेप से नहीं नाप रही थी, बस अनुमान लगाकर समान गैप रखा। परमानेंटली फिक्स करने से पहले यही स्टेप दोहराते रहें, सारा घेरा भरने पर इस तरह दिखेगा। अब सेफ्टी पिन्स हटाने के बाद इन सबको फिक्स करने के लिए सिलाई किया तो बहुत समय लग जाएगा, इसीलिए ये हॉट ग्लू गन इस्तेमाल किया लेस को फैब्रिक के ऊपर चिपकाने के लिए। छोटे छोटे हिस्सों में काम करें ताकि ग्लू सूख न जाए। नीचे के बचे हुए 2 इंच एक्स्ट्रा लेस भी चिपका दें, पर सेफ साइड के लिए अभी तक ऊपर के 2 इंच एक्स्ट्रा लेस नहीं चिपकाया क्योंकि अभी तक मैंने कोई पैटर्न पक्का नहीं किया। ध्यान से सब चिपकाने पर इस तरह दिखेगा। इस गाउन के पैटर्न में सिर्फ एक ही चौड़ा कंधा है, इसीलिए उसे पतला करने के लिए मैंने कुछ छोटे छोटे प्लीट्स बनाए। इसी तरह धीरे धीरे सारे प्लीट्स बनाए और उंगलियों से पिंच करके इन फोल्ड्स को फैब्रिक पे पक्का करें ताकि अगर फिसल जाए तो आपको आसानी से पता चले कहाँ प्लीट्स बनाया था और दोबारा वहाँ बना सके। अब इन प्लीट्स को जगह में सेट करने के लिए सुई धागे से सिल दे। अगर आप सीना नहीं चाहते तो हॉट ग्लू गन से भी इन प्लीट्स को सेट कर सकते हैं, पर भरोसा रखें ये सीना बहुत ही आसान है। बस सुई धागे को कपड़े के आर पार यानी ऊपर नीचे लेकिन आसपास लेते रहें इन प्लीट्स के फोल्ड के लंबाई में जहां तक आप चाहें। कंधे के बीच के सिलाई से 4-4 इंच दोनों तरफ आगे और पीछे सिल के इन प्लीट्स को बराबर सेट किया। देखो कितना नीट दिख रहा है, अब एक यूनिक लुक है। अब आपके पास 2 अलग-अलग पीस होंगे गाउन के। इसे गाउन की तरह पहनने के लिए वो भी एक ट्विस्ट के साथ आप अलग अलग लेसेस ऐड कर सकते हैं इन दोनों पीसेस को मिलाने के लिए, पर मैं इसे गाउन की तरह पहनने के बजाय सोचा और एक ट्विस्ट देने के लिए इसे एक लहंगा या लॉन्ग स्कर्ट और क्रॉप टॉप की तरह पहनने के लिए। मुझे अभी इस स्कर्ट के कमर को मेरे कमर के साइज का बनाने के लिए इसे काफी छोटा करना होगा, जो आप कई तरीकों से कर सकते हैं, जैसे सिंपली सही साइज तक फोल्ड करके या फिर एक इलास्टिक बैंड यूज करके। इन दोनों ही सूरतों में इन लेस से जो पैटर्न बना है वो बिगड़ जाएगा, इसीलिए इसे अवॉइड करने के लिए मुझे एक लाइनिंग की जरूरत पड़ी और एक इंस्टेंट सॉल्यूशन जो आसानी से हर इंडियन घर में मिल सकता है वो है पेटीकोट, जिसमें ऐसे नाड़ा हो जिसे आसानी से पुल किया जा सके या कोई भी अंडरस्कर्ट चलेगा। ये ब्लू कुछ ज्यादा ही ब्राइट है और मेरे पास एग्जैक्ट कलर नहीं था, इसीलिए ये काला यूज किया जो रात को न्यू ईयर के पार्टी में नहीं दिखेगा। ध्यान से इस लॉन्ग स्कर्ट के अंदर डालें। देख सकते हैं यहाँ सिर्फ ये नाड़ा पुल करके किसी भी कमर के साइज में फिट कर सकते हैं और वो भी लेस पैटर्न को बिना खराब किए। अब वक्त है ऊपर के एक्स्ट्रा 2 इंच के लेस को फोल्ड करने का। देख सकते हैं गाउन के फैब्रिक नहीं फोल्ड की जा रही है, वरना गाउन की लंबाई छोटी हो जाएगी। सिर्फ वो 2 इंच का एक्स्ट्रा लेस जो हमने पहले छोड़ा था वो फोल्ड करके पेटीकोट से सी दें। इस बार भी वही कपड़े के आर पार ऊपर नीचे वाली सिलाई जो हमने टॉप के कंधे पे किया था। ध्यान रखें सिलते वक्त पेटीकोट के नाड़े को ना सिलें, वरना स्कर्ट के कमर को टाइट करने के लिए आप उसे खींच नहीं सकते। इस तरह से कितना नीट दिखेगा। अब इस टॉप के बॉर्डर पे ये लेस यूज करें, या तो हॉट ग्लू से चिपकाएं
या पहले की तरह दिखाए गए रेगुलर आर पार और ऊपर नीचे वाले रनिंग सिलाई करें। इस वक्त मुझे एहसास हुआ कि सर्दियों के वजह से मैं शायद इसे स्कर्ट और क्रॉप टॉप की तरह कैरी ना कर पाऊं, इसीलिए गाउन की तरह ही पहनने का सोचा, थोड़े बहुत और अपग्रेडेशन के साथ। पहला काम था इन दोनों स्कर्ट और टॉप को एक साथ जोड़ दूं, पर उससे पहले टॉप को साइड से टाइट करना है, जैसे पहले कितना लूज था, लगभग 2 इंच। इसीलिए वही रेगुलर ऊपर नीचे वाला रनिंग सिलाई किया। शुरुआत ऊपर से 2 इंच से होते हुए नीचे की तरफ हल्के हल्के घटाते हुए बीच की सिलाई तक ले। लगभग एक त्रिकोण का शेप बनेगा जिसका बेस ऊपर की तरफ होगा। अब दोनों टॉप और स्कर्ट को एक साथ सिल दें और बीच के सिलाई को उसी सेम लेस जो टॉप के बॉर्डर पे लगाया था उसी से कवर करके सिल दें। माफ करना दोस्तों, कुछ वीडियो क्लिप्स गलती से डिलीट हो गया इसीलिए ये दिखा नहीं पाऊंगी, पर भरोसा रखें ये वही सेम स्टिच रेगुलर ऊपर नीचे वाला रनिंग स्टिच है जो पहले देखा है। भले ही इस बार मैं इसे टॉप और स्कर्ट की तरह नहीं पहन रही हूँ, एक बार दिखा देती हूँ इस पेटीकोट के नाड़े को पुल करके आप कैसे कमर को टाइट करवा सकते हैं अगर आप इसे स्कर्ट और टॉप की तरह पहनेंगे। अब इस लेस को नीचे ऐसे फ्लैट रखें और इस तरह से लेस को सिंपली घुमाएं। एक बार में छोटे छोटे हिस्से में काम करें। एक बार इस फूल के लुक से खुश हों तो या तो हॉट ग्लू से इस फूल को एक साथ चिपका दें या मेरी तरह नीटली इस फूल के फैब्रिक की पंखुड़ियों को सी दें। अब इस फूल को गाउन के कंधे पे टेम्पररीली फिक्स करने के लिए सेफ्टी पिंस यूज किया 2 कारणों के वजह से। पहला, अगर गाउन पहनने के बाद इस फूल की जगह बदलने की जरूरत पड़ी तो आसानी से एडजस्ट किया जा सकता है, और दूसरा कारण यह है कि किसी दूसरे ओकेशन या मौके पे जब इसे मैं लहंगा या स्कर्ट और टॉप की तरह पहनूंगी तब इस फूल को निकाल के अन्य कई फ्लोरल अरेंजमेंट्स ट्राई कर सकती हूँ। अगर इंटरेस्टेड हैं ये जानने में कि ये सारे फूल मैंने कैसे बनाया तो जरूर बताएं, अलग से एक वीडियो में दिखा सकती हूँ। अंदर से बाहर का फाइनल परिणाम कुछ इस तरह से दिखेगा। आशा है जितना ही मुझे मजा आया इस नए लुक को क्रिएट करने में उतना ही आपको भी अच्छा लगेगा स्टेप बाय स्टेप इस अपग्रेडेशन को देखने में। और अगर लगा है तो याद से लाइक शेयर और सब करना ना भूलें। आप मुझे सोशल मीडिया में फॉलो कर सकते हैं, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। मेरे चैनल के दूसरे इंटरेस्टिंग वीडियोस भी देख सकते हैं, इसीलिए स्टे ट्यून्ड और ऐसी क्रिएटिविटी के लिए। थैंक यू सो मच ये देखने के लिए। स्टे हैप्पी एंड पॉजिटिव।